नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी अली चैनल में। चलो आज हम आपको दिखाएंगे सुखाने वाले की सबसे मेन कमी होती है दोस्तों, जब हम न्यू मोटर डाल देते हैं उसके बाद जो ये हमारा ड्रम होता है ये हिलता रहता है चलने के बाद। जैसे हम इसमें 8-10 कपड़े डालते हैं, डम 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 डमरू की तरह घूमता रहता है। किस कारण से घूमता है और इस कमी को हम कैसे ठीक करेंगे दोस्तों, तो बने रहना मेरे वीडियो पे। दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करा, मोटर को और ड्रम को हमने दोस्तों बाहर ही निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुली को डाल के ड्रम को अलग कर लेंगे। ड्रम को हम अलग निकाल लिया दोस्तों हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले पुली लगाएंगे। पुली लगाने के बाद ये चेक करेंगे दोस्तों, ये पुली हमारी बबलिंग है या हमारी ड्रम टेढ़ा है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं देखो दोस्तों देखने की हमारी। चलो हम क्या करते हैं, पहले सबसे इसमें एक पुली लगा लेते हैं अपनी। पुली लगाने के बाद देखते हैं पुली के अंदर बबलिंग है किस कारण से है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा पुली नहीं लगा देते हो फिर भी हमारा क्या है, ड्रम हिलना बंद नहीं होता। चलो हम पहले नई पुली लगा के देखते हैं हमारी बबलिंग है पुली के अंदर या नहीं है, या हमारा ड्रम ही टेढ़ा है। दोस्तों तो हम पहले ये हमारी एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो कट है देखा होगा आपने, कई बार हम कट को अलग कर देते हैं और पुली जो नट है इसे हम अलग कर देते हैं। देखा होगा नट अलग जगह लगा देते हैं और ये जो अपना कट है इसे अलग कर देते हैं। इस कारण से भी क्या है, हमारी पुली के अंदर बबलिंग आ जाती है, यानी कि पुली हमारी टेढ़ी घूमने लगती है, जिससे क्या है हमारा जो ड्रम है वो डम 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 डमरू की तरह हिलने लग जाता है। दोस्तों तो क्या करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, लगाते समय हमें कभी सेंटर में पुली और नट को सेंटर में रखना है। दोस्तों देखो जैसे ये लूज जा रही है, इस तरह ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादा लूज होगी तभी क्या, जब हम नट टाइट करेंगे तो पुली के अंदर हल्का सा बबलिंग आ जाएगी, जिससे क्या हमारी पुली टेढ़ी घूमने लग जाएगी। तो हल्का सा टाइट हो और हल्की सी मुलायम हो दोस्तों। जैसे देखो मेरे काफ़ी लूज जा रही है, ये कमी भी एक गलत होती है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ज़्यादा लूज पुली भी ना डालें। चलो हम हल्का सा इसे नट टाइट करते हैं। देखो नट टाइट करने के बाद इसे हम अच्छी तरह टाइट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पुली घुमा के ये क्यों पुली के अंदर ही बबलिंग है। नई पुली है दोस्तों, ये हमने नई व्हील हमने यूज किया है दोस्तों इसका। चलो पहले हम इसे टाइट करते हैं फिर देखते हैं। गोटे से हम 10 नंबर के गोटे से इसे टाइट कर लेंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद हम देखते हैं पुली के अंदर बबलिंग आ रही है दोस्तों, यह हमारा ड्रम ही टेढ़ा है। तो अब हमें हल्का से यहाँ घुमा कर देख लेंगे। देखो दोस्तों ये तो हमारी एकदम प्रॉपर ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है नबी के अंदर, ठीक है। यानी कि हमने जो नबी पुली लगाई देखो कोई बबलिंग नहीं आ रही है दोस्तों, कभी सेंटर में घूम रही है, यानी कि इसमें टेढ़ापन नहीं है। क्योंकि ये छोटी मोटी कमी हमारी है ना वैसे ही दिख जाती है दोस्तों, हम जैसे हाथ से घुमाएंगे तो हल्का सा टेढ़ापन आएगा, इसमें बबलिंग करेगा और इससे क्या है पूरी वाडी को हिला देता है। यही चीज़ हमारी क्या है, जब हम इसमें कपड़े डाल के सुखाते हैं तो पूरी वाडी हिला देते हैं। कंपनी की क्या देखा होगा आपने, कभी ड्रम हिलता भी महसूस नहीं होता, चलता हुआ प्लेन चलता है दोस्तों। हमारी ये छोटी मोटी कमी हो जाती है जिस कारण से ये शिकायत आ जाती है। तो अब हमने देखा कि नई के अंदर कोई शिकायत नहीं है, नया हमारा ठीक घूम रहा है। चलो अब हम किसी पुरानी पुली को लगा के देखेंगे कि उसमें भी हमारा ये बबलिंग करता है या नहीं करता है दोस्तों। चलो अब हमने ले लिया है पुरानी पुली। पुरानी पुली के अंदर हमने दोस्तों क्या करा है, एक जो इसके अंदर वाइट वाइट सा होता है ये हमने नया डाल दिया है दोस्तों, ताकि पुली के अंदर किसी प्रकार से बबलिंग ना आए। हम क्या करते हैं पुरानी को ही छोड़ देते हैं, जिसमें क्या है नट टाइट करते समय कट लग जाता है और जब हम उसे दोबारा टाइट करते हैं तो पुली के अंदर बबलिंग आ जाती है। एक ये छोटी सी कमी थी जिसके कारण बबलिंग आती है दोस्तों। अब हमने ये नया लगा लिया है और कट मेन चीज़ हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इस कट का ध्यान रखना है, इस कट का ध्यान रखना है, उस नट का और कट का सेंटर में लेके आना है। देखो इसी तरीके से, देखो ये अब हमारी टाइट जा रही है, यानी कि हमारी हल्की ठोकने के बाद जा रही है, यानी कि हमारी प्रॉपर ठीक जा रही है दोस्तों। हल्का सा जब टाइट हो, क्योंकि निकालते समय फिर दिक्कत ना आए हमें, कई बार देखा होगा निकालने में भी दिक्कत आती है ऐसे। अभी हमारी प्रॉपर टाइट जा रही है, मतलब ठीक जा रही है दोस्तों। अब हम इसे ठोक लेंगे हल्का सा, ठोंक के अंदर बिठा के फिर चला कर देखते हैं कि इसमें वो तो नहीं है। ये हमने ठोक दिए दोस्तों, ठोकने के बाद देखो इसमें कोई बबलिंग नहीं आ रही है दोस्तों, यानी कि ये भी हमारी ठीक घूम रही है। क्योंकि हमने इसकी जो थी अपना अंदर का जो वाइट सा था दोस्तों, हमने चेंज कर ली थी इसकी। ये देखो इसमें बबलिंग नहीं है दोस्तों, मेन चीज़ हमारा इसका बबलिंग हमने चेक कर लिया, प्रॉपर चेक कर लिया। मोटर जब हम फिट करते हैं, फिट करने के बाद हम इसे चला के देखेंगे बिना ड्रम के, जब इसके ऊपर ड्रम लगाए बिना हम इसे चेक कर लेंगे चला के, ये हमारी प्रॉपर सीधी घूम रही है तो हमारी मोटर पूरी प्रॉपर सेट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी ड्रम डम डम करे तो हमारे ड्रम की जो सापट होती है दोस्तों, दिख रही होगी आपको, ये सापट कई बार टेढ़ी हो जाती है, तो जब जाके हमारा क्या है ड्रम टेढ़ापन आ जाता है यहाँ से, जैसे कई बार जर लग जाता है दोस्तों, ये टेढ़ा उखड़ जाता है दोस्तों, जब हमारे में ये शिकायत आ जाती है। अब आप ड्रम को लगा के चलाओगे तब भी हमारा ड्रम क्या है सीधापन चलेगा दोस्तों। देखो
इसमें कोई हिलावट नहीं है, कभी देखो सीधा चला है दोस्तों, बबलिंग नहीं है किसी प्रकार से, मतलब यानी कि हमारी ये प्रॉपर सेट हो गई है। ये जब भी हम मोटर सेट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, स्टार्टिंग में ही हमें ये देख लेना है कि हमारी पुली टेढ़ीपन तो नहीं है, हल्का सा भी टेढ़ा लगे दोस्तों तो पुली को निकाल के दोबारा लगा लें, या जो इसके अंदर हमने निप्पल डाली थी वाइट कलर की उसे चेंज कर लें, बस दोस्तों इसका ही ध्यान रखना है हमें। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।